नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसजे ट्रेडर्स में। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। दोस्तों, बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग हुआ है 38,300 के पास। उसने हाई मारा 38,461 और उसका लो है आज का 37,762 पे। ओके, चलो अब देख लेते हैं 5 महीने के चार्ट में कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि अगर बैंक निफ्टी कल 38,250 के ऊपर निकलता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 38,400। आज उसका ओपनिंग जैसे हुआ, वो पहले फाइव मिनट के अंदर में उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया फ्रेंड्स, फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद कल की तरह वो सीधा डाउन के साइड में आ गया। और डाउन के साइड में आप चेक करोगे, मैंने आपको लेवल कौन सा दिया था, 38,050 अगर क्रॉस करेगा डाउन के साइड में तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 37,950। दूसरा टारगेट दिया था आपको 37,850। आप चेक कर सकोगे कि यहाँ पे दोनों टारगेट उसने अचीव कर लिया फ्रेंड्स। और जैसे यहाँ पे आया, वहाँ बाद में फिर से ऊपर चला गया फ्रेंड्स। ये हमारा था फ्लैट जोन था ये हमारा। और उसने आज दो बार 38,400 को टच किया, एक मॉर्निंग फर्स्ट की कैंडल में और दूसरा कितने बजे 150 को दोपहर में। और उसके बाद फिर से वो नीचे आ गया और नीचे फिर से आगे 37,850 फिर से टच किया फ्रेंड्स उसने। चलिए देख लेते हैं अब कल क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं ये निकाल लेता हूँ यहाँ से अपना फ्लैट जोन जो मैंने कल मार्क किया था उसको। चल भाई चल, अभी कल के लिए हमारा फ्लैट जोन कौन सा रहेगा, हमारा फ्लैट जोन रहेगा 37,950 और 37,850। अगर कल टुमारो 37,850 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 37,750। दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,600। और अगर अपसाइड में देखते हैं हम, अगर टुमारो अपसाइड में 37,950 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 38,000 और दूसरा टारगेट आएगा उसका अपसाइड में 38,100 पकड़ लो मैक्सिमम। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, हमारी कंडीशन यही रहेगी कि फ्लैट उसका ओपनिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। आप चेक करोगे कि लास्ट कई दिनों से वो गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो इससे हमारा पूरा सेटअप चेंज हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ता है या फिर गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आज क्या हुआ था, ये पहली कैंडल ग्रीन बनी 38,400 टच किया, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी हमारे 5 मिनट की, वो पूरी बेरिश बनी तो यहाँ से पूरा मार्केट नीचे आ गया। तो गैप अप और गैप अप डाउन ओपन होता है तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ फ्रेंड्स। निफ्टी में वन डे के कैंडल में मैं चेक करता हूँ तो उसका ओपनिंग हुआ 70,400। उसने हाई मारा 70,490 और उसका लो है आज का 17,257। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट में कल क्या हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको निफ्टी में लेवल जो दिया था आज के लिए 70,400 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,450। वो आज पहले कैंडल में उसने भी अचीव कर लिया। और डाउन के साइड में मैंने आपको बोला था कि 70,300 ब्रेक करेगा, 290 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट पहला टारगेट आएगा 70,223। लेकिन आज वो डाउन के साइड में कहाँ तक आया, 70,266 तक ही आया। अब बाद में पूरा ये हमारा जो फ्लैट जोन ड्रॉ किया था उसी जोन में करीबन कितने घंटे तक रहा, बजे तक वो रहा। उसके बाद वो ऊपर के साइड पे निकल गया लेकिन फिर भी हमारा सेकंड टारगेट अचीव नहीं किया, फिर से वो ऊपर से नीचे आ गया, लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अभी कल क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं।
70,300 से लेके 400 है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। कल के लिए हमारा ये फ्लैट जोन रहेगा, कौन सा रहेगा, कितने कहाँ से कहाँ रहेगा हमारा, 70,300 से 70,355। अगर कल 355 ब्रेक होता है ऊपर के साइड में, 70,355 होता है, तो उसका पहला टारगेट आएगा हमारा 70,400 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में 70,050 समझ लो, ओके, राउंड फिगर में ये हमारा फ्लैट जोन है, ओके। और अगर कल डाउन की साइड में 70,280 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने जो आज दिया था 70,250 रहेगा, दूसरा टारगेट आएगा 70,200 और तीसरा टारगेट आ सकता है ज़्यादा डाउन की साइड में आएगा तो वो रहेगा हमारा 70,000 समझ लो आप 150। ओके, ये कल के लिए मैंने आपको लेवल दिए है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो न्यू, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।